हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब भी क्या होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैंने 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन आप लोगों को क्या है बताया था, ठीक है। आज अभी हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट क्या है I1 फ्लो हो रहा है, और एक दूसरा करंट कैरिंग वायर AB जिसमें करंट क्या है I2 फ्लो हो रहा है किधर A to B फर्स्ट फिगर में। दूसरे में फिगर में क्या है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग क्या है वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, और दूसरा स्टेट करंट स्टेट वायर है AB जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। लेकिन AB में जो करंट का डायरेक्शन क्या है दोनों फिगर में A एंड B में क्या है जस्ट रिवर्स किया गया है। तो यहाँ देखोगे कि इसके द्वारा कहीं भी इधर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इनटू द क्या होगा वोल्ट होगा, और करंट इधर जा रहा है तो इसलिए इस वायर AB पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा अप लगेगा। वाइल इस केस में फिगर बी में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा इधर कहीं भी देखोगे इस साइड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा, और मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो क्या होगा नीचे लगेगा। इस केस में क्या है कि फिगर ए एंड बी में क्या है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर AB, या यूं बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर क्या होगा इस पे और इस पे दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, और ये कितना होगा ये मैंने बताया ऑलरेडी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होगा 2 pi ln 1 प्लस क्या होगा L/ क्या होगा D होगा, ठीक है। क्या होगा 1 प्लस L/ क्या होगा D होगा। इसके बाद एक और हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल से देखेंगे, है ना। इस पे एक और कॉन्सेप्ट है कि दूसरा क्या है इस केस में, आई मीन ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखो यहां कि क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है I1 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इधर एक फाइनाइट वायर फाइनाइट करंट कैरिंग वायर I2, ये दोनों क्या है पैरेलल है ना, क्या है पैरेलल है, और ये कितने डिस्टेंस पे रखा गया है इससे D डिस्टेंस पे, है ना। और इसमें क्या है इसमें करंट कितना I2 है, और इसका लेंथ हमने क्या मान लिया L मान लिया। तो हमने कल देखा था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या क्या होता है। देखो यहाँ करंट यदि पैरेलल होगा तो फोर्स क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो इस पे यदि फोर्स देखोगे तो ये इस पे फोर्स लगेगा FM इधर, है ना, और ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने देखा हम लोगों ने देखा था कि DF अपॉन क्या होगा DL, ठीक है, इक्वल टू क्या था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या है 2 pi D इंटू यही होगा ना मैग्नीट्यूड। देखो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कल बताया था कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होता है 2 pi D होता है। I mean यदि मैं इसका करंट एलिमेंट कंसीडर कर लूं, यही हमने क्या किया डिफरेंशियल लेंथ ले लिया तो फोर्स। तो यहाँ से यदि DF मुझे कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi D इंटू क्या लिखेंगे DL। तो FM लिख दो, है ना FM। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन आइदर वायर AB और क्या होगा AB, है ना, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग करंट I1 क्या होगा यही होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होगा 2 pi D इंटू क्या हो जाएगा यही होगा ना, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, फिगर 1 हम फिगर 8 ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा इसी में देखो फिगर 2 होगा इधर, आपको समझना है फिगर 2 में देखोगे तो हमने क्या किया ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और करंट जस्ट हमने क्या किया रिवर्स कर दिया A2 क्या हुआ B, ये दोनों के बीच सेपरेशन कितना है D है,
और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अगेन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा वायर। तो देखो यहां भी आप देखोगे हमेशा क्या करना है, जब भी पैरेलल रखा हुआ हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख दो और फिर लेंथ से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। यहां देखोगे कि एंटी पैरेलल करंट है, I mean, इसमें करंट क्या अप जा रहा है, इसमें क्या है डाउन आ रहा है, तो यहाँ फोर्स जो होगा वो क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा। I mean, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, FM इधर लगेगा, और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, FM इधर लगेगा। ये क्या है फिगर क्या है बी है, फिगर बी है, ठीक है। तो यहां भी आप देखेंगे कि मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ I mean, कितना होगा, I mean, डायरेक्ट यदि लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इनटू क्या हो जाएगा L हो जाएगा। दोनों केस में क्या होगा मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फोर्स का होगा होगा क्या होगा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। ये ध्यान देना है कि यदि पैरेलल करंट हो, I mean, करंट कैरिंग वायर पैरेलल रखा हुआ हो और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्या होगा एट्रैक्टिव नेचर का होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा, क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, एक एग्जांपल था। तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा वायर, ये भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर्स है ना। तो हम लिख देते हैं यहां, ये केवल मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा वायर्स, ये भी क्या हुआ दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये हम देखेंगे, ये कल मैंने बताया था जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्योंकि मैंने कुछ होमवर्क भी क्वेश्चन दिए थे कि करंट कैरिंग लूप हो क्लोज लूप हो, स्क्वायर लूप था तो उस पर हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे, एक रेक्टेंगुलर लूप था, तो उसको बाद में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको कुछ लोगों ने आई थिंक एक दो स्टूडेंट जो है रविराज ने जैसे इसका आंसर भेजा मुझे जो कल होमवर्क दिया था, तो है ना उसने शायद मोहम्मद ने भी भेजा था है ना, बस दो ही लोग मुझे उसका आंसर भेजे और किसी को तो खैर कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिजिक्स सब आता है ना, और बाद में बोलेगा सब कि फिजिक्स तो समझ में नहीं आता है ना। तो इसके बाद देखो क्या एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से क्या है, बहुत क्या है अच्छा एग्जांपल है, देखो ध्यान से ये क्या है, एक एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं है ना कि ये क्या है इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर जो है यहां क्या है फिक्स किया गया, इसमें करंट क्या है वाई फ्लो रहा है, ऐसे देखो ध्यान से ये क्या है ऐसे रखा गया है हॉरिजॉन्टली ऐसे, यहां इसको फिक्स कर दिया गया है ना, और इसके ऊपर है ना एच हाइट पे देखो क्या है एच हाइट पे ये करंट कैरिंग क्या है वायर है, ठीक है। ये भी क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, देखना ध्यान से दिस इज नथिंग बट द क्या है वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये क्या है ऐसे रखा गया है, और ये वो जो वायर ए बी है इसमें देखो करंट पूछा नहीं गया है ना, करंट आपसे पूछा जाए क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें करंट जो है वो क्या है I1 फ्लो हो रहा है ना, क्या है I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा इसका जो लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है क्या है, I mean लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या है m अपॉन क्या है इस वायर के लिए क्या है दिया हुआ है, I mean लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर ए बी क्या है दिया हुआ है। तो पहले ये पूछा गया है, समझ में आया ना क्वेश्चन, समझ में आया कि ये क्या है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को क्या किया गया है करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट क्या है I1 है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और क्या किया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको फिक्स कर दिया गया, और दूसरे को क्या किया गया इस एच हाइट पे ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में, किसमें वर्टिकल प्लेन में। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट
इन वायर ए बी सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल प्लेन. समझ में आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है. अब मान लो कि इसमें यदि मुझे डायरेक्शन भी मालूम चल गया और क्या हो गया मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, ठीक है, तो अब क्या हमने किया कि इस वायर को क्या किया, स्लाइटली क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. तो आपसे पूछा गया है कि आप प्रूव दैट द मोशन ऑफ वायर ए बी करंट कैरिंग वायर वे बी ए बी इन वर्टिकल प्लेन विल बी क्या होगा, विल बी ऑसिलेटरी. एंड इफ है ना, इफ एक्स इज मच मच स्मॉलर देन एच देन इट विल बी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना. तो क्वेश्चन समझ में आया कि वर्टिकल प्लेन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, जिसमें करंट क्या है, आई वन है. उसे एच हाइट पे वर्टिकल प्लेन में क्या है, एक वायर ए बी रख दिया गया है. तो यदि वायर ए बी इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये प्रूव करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है. तो यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. इन द शोन फिगर ए में क्या है, इफ वायर क्या होगा, वायर ए बी इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड मैग्नीट्यूड एस वेल एस डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट. ठीक है, समझ में आया ना. ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या करना है, करंट का मैग्नीट्यूड और क्या करना है, डायरेक्शन आपको क्या करना है बताना है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ है ना, बी में क्या है, अब इफ नाउ क्या है, नाउ इफ द करंट कैरिंग वायर है ना ए बी इज डिस्प्लेस स्लाइटली इन द वर्टिकल प्लेन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल प्लेन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, देन प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो यहां लिख देता हूं कि इफ वायर ए बी इज carrying current in current I2 calculated in part A, if wire AB, यहां लिख लेना, if wire AB is carrying current I2 calculated in part A and now it is slightly displaced from its equilibrium position in vertical plane along vertical direction. Then prove that motion of wire
AB is SHM having SHM. Find time period T. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि पहले पार्ट में क्या है, दी वायर इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या करना है, इसमें करंट निकालना। अब हमने करंट क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इस वायर को क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको प्रूव करना है कि इसका मोशन क्या होगा, SHM होगा, क्या होगा मोशन, क्या होगा SHM होगा, और टाइम पीरियड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो अब देखो क्या है, आपको ये मालूम है, देखो पहले इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है यार, फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो इसका FBD ड्रॉ करें, FBD ऑफ वायर AB, देखो ध्यान से, FBD ऑफ वायर AB, मैंने इसको क्या किया, पॉइंट से कंसीडर कर लिया, और इसका मास हमने क्या लिख दिया, M लिख दिया। अब देखो इस पे mg किधर लग रहा है यार, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या लगेगा यार, किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए। आई मीन इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए। तो आपको ही मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड कब लगेगा यार, यदि पैरेलल करंट हो तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन I mean I1 के डायरेक्शन में यदि इसमें करंट फ्लो होगा तो पैरेलल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, क्या होगा, कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वायर विल बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम इफ द करंट इन द वायर AB विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, I1। आई मीन इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। क्या होगा, यदि I2 ऐसे हो जाए तब क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, B2 क्या होगा, ये होगा। और हमने मान लिया इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, μ0 I1 I2 अपॉन क्या होगा, 2πH इंटू क्या होगा, L होगा यार, यही होगा ना। क्या मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, μ0 I1 I2 अपॉन क्या होगा, 2πH या 2πD। तो जितने लेंथ पे फोर्स निकालना है उतने लेंथ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वायर आपको समझ में आया, तो ये वायर इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब करंट क्या होगा, B2 ए फ्लो होगा। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, अब लिखेंगे कि वायर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MG हो जाएगा यार। तो हम लिख सकते हैं सिंस वायर इज इन क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम, हेंस क्या होगा, FM इक्वल टू क्या होगा, MG, और FM कितना है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πH इक्वल टू क्या है, mg अपॉन क्या है, L, और ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा g। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, I2 का वैल्यू लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2πλ लैम्डा h g अपॉन क्या होगा, μ0 इनटू क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट अपने को मालूम चल गया। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम आई मीन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB विल बी जस्ट अपोजिट टू द क्या होगा, I1। तो यहां लिख सकते हैं कि क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB विल बी क्या होगा, विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I1। ठीक है, क्या होगा, अपोजिट टू द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ I1। ये फर्स्ट पार्ट अपने को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या किया गया कि इसको क्या किया गया, स्लाइटली क्या किया गया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया गया, स्लाइटली जो है वो क्या है, डिस्प्ले। मैंने जब SHM पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था वहां कि हमेशा याद रखना कॉन्स्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन और मीन पोजिशन को क्या करना, शिफ्ट कर देना। क्योंकि कॉन्स्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड में कोई रोल नहीं होता है,
उससे कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स यदि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसे टाइम पीरियड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंट फोर्स का काम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजिशन को क्या करना, चेंज कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं क्या बी पार्ट पे, आई मीन सेकेंड पार्ट पे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट, जब भी इक्विलिब्रियम दिया हुआ हो तो क्या करना है, नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो कर देना है और वहां से मैग्नेटिक फोर्स लिख दो और मैग्नेटिक फोर्स उसके बाद और भी जो फोर्सेस है वो लिख दो और क्या करो, इक्वेट कर दो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। अब मान लो कि यहां से हमने क्या किया, वायर को क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, ये इनिशियल पोजिशन है, अब हमने क्या किया, वायर को यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, आई टू फ्लो हो रहा है। अब देखो नीचे इक्विलिब्रियम पोजिशन ही है, ये क्या है, मेन पोजिशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्या होगा, दिस इज मेन पोजिशन, यही क्या है, मेन पोजिशन। यहां से हमने क्या किया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड। अभी इनके बीच जो फोर्स लगेगा क्या होगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अब देखो यहां क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, ये वायर क्लोज आता जाएगा, मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स जो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन जब कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, अभी जो सेपरेशन होगा वो एच माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन यदि इस पे लिखोगे टोटल फोर्स, तो इसका मोशन किधर हो रहा है यार, अभी फिलहाल डाउनवर्ड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, एम इनटू ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ एम, यही लिखेंगे यार। तो यहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस एफ एम। एफ एम का मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, देखो यहां हमने लिखा है मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एच इनटू क्या हो जाएगा, एल। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, यहाँ एच की जगह क्या लिखेंगे यार, एच माइनस क्या लिखेंगे, एच एक्स। तो एच माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एल अपॉन क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया आपको कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एच, एच की जगह क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन क्या था, एच था, अभी क्या हो गया, एच माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आया, देखो यहां क्या होगा, एम जी किधर लगेगा, एम जी डाउनवर्ड लगेगा और एफ एम किधर लगेगा, अप लगेगा। तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, एफ एम क्या होगा, लेकिन ये नीचे किधर आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए, देखो ए इक्वल टू जी इनटू, इस सबको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो माइनस क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई एम इनटू क्या लिख सकते हैं, एच इंटू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, एच। कोई डाउट नहीं है ना। अब आप ध्यान से देखना, इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर ध्यान से, ए इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई क्या होगा, एम एच इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एच के पावर क्या होगा, माइनस वन। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ये आप देखोगे। मैंने ये बताया था कि 1 प्लस एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है, कब, जब एक्स, यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ एक्स इज क्या होगा, मच मच स्मॉलर देन क्या होगा, एच। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जी माइनस म्यू नॉट I1, I2, L upon 2 pi क्या होगा, H, M into M, ये लिखेंगे ना। और इधर क्या लिखेंगे, 1 plus X upon क्या लिखेंगे, H। शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके जगह देखो, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह शायद क्या लिख सकते हैं, M
इसके जगह देखो ध्यान से, इसके पहले वाले रिजल्ट में इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स जब इक्विलिब्रियम में था तो ये क्या था, mg के इक्वल था। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू g माइनस mg अपॉन m इनटू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या होगा, x अपॉन h। ये m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g माइनस g अपॉन क्या होगा, g माइनस g माइनस g अपॉन h इंटू क्या होगा, x। ये g से g कैंसिल हो गया और a इक्वल टू क्या हुआ, माइनस g अपॉन क्या हो गया, h। यहां ये मालूम चल गया कि a जो है वो क्या है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस x। यहां माइनस y लिखना चाहिए लेकिन हमने x ही मान लिया यार, ठीक है। तो यहां ये मालूम चल गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस क्या है, x है। हेंस द मोशन ऑफ ए बी क्या होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या होगा, आई वन विल बी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से हम लिख सकते हैं हियर, ठीक है, समझ में आया ना, यहां से लिख सकते हैं हेंस क्या होगा, ये समझ में आया ना, हेंस क्या होगा, हेंस मोशन ऑफ ए बी इज क्या होगा, एस एच एम। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी अपॉन क्या हो जाएगा, एच। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन क्या हो जाएगा, एच, है ना। अब यहां से टाइम पीरियड आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2π एच बाई क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, 2π एच अपॉन क्या होगा, जी। यही क्या होगा, क्या होगा, दिस इज द मोशन ऑफ क्या होगा, मोशन ऑफ करंट कैरिंग वायर ए बी विल बी सेम एज द मोशन ऑफ सिम टाइम पीरियड ऑफ करंट कैरिंग वायर ए बी विल बी सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज इक्वल टू द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा, बोथ द करंट कैरिंग वायर। समझ में आया ना। तो एच क्या है, इनिशियल सेपरेशन है, जी क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहां लिख सकते हैं एच क्या है, सेपरेशन सेपरेशन आई मीन इनिशियल सेपरेशन या सेपरेशन इनिशियल लिख लेते हैं ना, इनिशियल सेपरेशन, ठीक है। तो यहां से h इक्वल टू, एक और देखो यहां एक और भी रिजल्ट याद रखना चाहिए कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2π h इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू जी। ये भी याद रखना, अकॉर्डिंग टू जो जरूरत हो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपको सिंपल याद रखना है, ये रिजल्ट याद हो तो ज्यादा आसान होगा। और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं इस पे, दूसरा एग्जांपल देखो, है ना, कि क्या है, यहां से ये दो करंट करे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक में करंट क्या है, आई वन है, समझ में आया ना, करंट कैसे है, आउट ऑफ, इसका भी लेंथ क्या है, एल है, एल, इसका मास क्या है, इस वायर का मास क्या है, एम है, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ बोथ द वायर क्या है, सेम होगा, ठीक है, क्या है, या इसमें मास, इस वायर का मास क्या है, एम मान लो, और ऐसे सोचो, देखो ध्यान से, इसमें जो करंट है वो क्या है, इसमें करंट क्या है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा हुआ है ऐसे, है ना। ये थोड़ा डायग्राम मैं सही से ड्रॉ कर देता हूं, ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको एक बताना है कि ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा,
ए एंगल यदि ई बी थीटा है और ई बी थीटा है, ठीक है। इनफाइनाइटली ये क्या है, आई वन और आई टू क्या है, दो करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ई बी लेंथ एल है, ई बी लेंथ क्या है, है ना, ऐसे कुछ। ए एंगल थीटा है, तो ये क्या है, आइडियल थ्रेड है, ईबी क्या है, दिस इज नथिंग बट द आइडियल, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना, देखो इसमें करंट, ऐसे सोचोगे कि दो क्या है, करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन दोनों को थ्रेड से एक पॉइंट से क्या किया गया, थ्रेड से फिक्स करके एक पॉइंट से लटका दिया गया है, तो अभी इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो क्या है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें करंट क्या होगा, आप पूरी डायरेक्शन में फ्लो कराओगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये रिपेल करना शुरू करेगा तो इस पर तीन फोर्सेस लगेंगे, एक क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा क्या होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और तीसरा क्या होगा एमजी। तो ऐसे नहीं है, यदि ग्रेविटी फ्री रीजन होगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे ग्रेविटी फ्री रीजन होगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यदि ग्रेविटी है तो क्या होगा, कुछ एंगल पे जा करके, जैसे क्या है इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिया हुआ है, तो इस पे क्या होगा, टेंशन फोर्स लगेगा इधर, इधर इस पे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, दोनों का मास हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया, ठीक है। क्या है, मास क्या है, दोनों का क्या है, सेम है, आई मीन लीनियर मास डेंसिटी, हम बाद में उसके टर्म में लिखेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। तो इस पे टेंशन लग रहा है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो किधर लगेगा, एफएम लगेगा इधर, अरे अपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट क्या है इनटू द बोर्ड जा रहा है और एक में क्या है आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है, तो इसका एबीडी ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आया, क्या पूछा गया है कि फाइंड एंगल थीटा corresponding to equilibrium position as shown in the figure, है ना, तो क्या है इधर FM लगेगा, again इधर क्या लग रहा है tension, इधर क्या लग रहा है MG लग रहा है, ठीक है। ये L है तो ये अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि L होगा तो L sin theta है, तो ये कितना हो जाएगा 2L sin theta, यही सेपरेशन होगा ना यार, ये theta है तो क्या हो जाएगा 2L sin theta हो जाएगा। याद रखना है कि दोनों का मास यदि अलग अलग हो तो ये थीटा जो होगा, मैंने बताया है कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया है कि ये एंगल जो होता है, ये थीटा जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है, याद रखना है ना, ये दोनों का मास सेम होगा, आप यहाँ भी देख सकते हो, है ना, प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रूफ भी कर देंगे और बताऊंगा कि ये थीटा सेम तभी हो सकता है जब दोनों में क्या हो, मास सेम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, हमने आपको क्या करना है, इन द शोन फिगर, यहाँ क्या है, इन द शोन फिगर मैं लिख देता हूँ, इन द क्या होगा शोन फिगर फाइंड एंगल मेड बाय द क्या होगा स्ट्रिंग विथ वर्टिकल व्हेन इफ बोथ द करंट कैरिंग वायर आर इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया ना कि ये दोनों दो करंट कैरिंग वायर है, एक में करंट अंदर बाहर जा रहा है, एक में अंदर जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है और यहाँ स्ट्रिंग से फिक्स कर दिया गया है, तो इनमें करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या होगा इनमें रिपल्सन होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम में जा करके क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम के कोरस्पोंडेंस क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द क्या होगा स्ट्रिंग विद वर्टिकल व्हेन द सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो ध्यान से, ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा थीटा, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, यही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो एक लिख सकते हैं कि किसी भी वायर के, चलो ये वायर ए है और इसको बी मान लेते हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ वायर ए या बी कंसीडर मैंने कर लिया,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एफ एम। समझ में आया? तो यहां से देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा एफ एम अपॉन क्या होगा एम जी। यदि थीटा स्मॉल हो तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से देखो एफ एम दोनों के लिए क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एम, और थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एम। ऐसे लिख सकते हैं, रफली समझ सकते हैं। वेयर एम इज द मास ऑफ द क्या होगा, मास ऑफ द करंट कैरिंग वायर। एम क्या है, तो यहां बोल सकते हैं एंगल मेड बाय द क्या होगा स्ट्रिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मास ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ग्रेटर द मास ऑफ द करंट कैरिंग वायर, स्मॉलर विल बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल एंड वाइस वर्सा। ये भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? तो ये ध्यान से मैं लिख देता हूं हियर, है ना, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहां मैं नोट में लिख देता हूं, हेंस यहां लिख लेना, हेंस एंगल आई मीन एंगल, हेंस एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा मास ऑफ करंट कैरिंग वायर। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स दोनों केस में क्या होगा, दोनों वायर पे क्या होगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने ये बता दिया आपको। अब हमने इसको इक्वेशन क्या है वन मान लिया। तो ये ध्यान देना है, हमेशा ब्लाइंडली मत बोल देना कि ये दोनों का मास अलग अलग हो तो तुम क्या करना दोनों पे क्या कर, दोनों का एंगल सेम दिखा देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एफ एम लिखे हैं तो एफ एम इक्वल टू क्या होगा नाउ, क्या होगा नाउ एफ आई मीन क्या लिख रहे हैं डी एफ एम। समझ में आया ना? क्या लिखेंगे, डी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो म्यूनट आई वन आई टू अपॉन टू पाई क्या है डी है यार, यही है ना। तो डी एफ इक्वल टू यदि हम लिखें यहां से, या एफ एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ एम लिख दो, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यूनट, है ना, म्यूनट क्या होगा म्यूनट आई वन आई टू अपॉन क्या होगा एल इंटू क्या होगा टू पाई क्या होगा डी। ये क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। अब आप बोलोगे सर डी एफ एम से डी एल एफ एम आपने कैसे लिख दिया, तो हमने क्या किया यहाँ एल से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एफ एम तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एम जी, क्या होगा एफ एम आई मीन क्या होगा म्यूनट आई वन आई टू, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा एल सॉरी म्यूनट आई वन आई टू एल टू पाई क्या होगा डी इंटू एम जी। तो यहाँ लीनियर मास डेंसिटी भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यूनट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू क्या लिख सकते हैं लेमडा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, क्या है इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या होगा, ये समझ में आया ना, 2 पाई डी लैम्डा, लैम्डा क्या है लीनियर मास डेंसिटी। डी क्या है यार, डी यदि दिया हुआ है तो हम यहाँ से थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो हम कुछ और अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अब देखो टेन थीटा आपको मालूम चल गया, यहाँ डी का वैल्यू रख दो तो डी इक्वल टू क्या यार 12 साइन थीटा होगा, क्या बताया था अभी, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू म्यूनट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, है ना, एल
यहाँ हमने एल 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 स्मॉल एल लेना, यार गलत हो जाएगा क्योंकि दो जगह हमने कैपिटल एल। स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ द क्या है, वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटू टू टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा। डी का वैल्यू टू साइन थीटा एल है इंटू क्या है लैम्डा। देखो बताया था वहां, अरे एल साइन ए एल है एंगल थीटा है, तो क्या होगा एल साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, है ना। और यहां ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन, है ना, फोर पाई एल, ठीक है, लैम्डा साइन थीटा। अब यदि थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो हम लिख सकते हैं, देखो यहां क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। एक तो यहां से भी हम, यदि ये डी दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू लैम्डा। टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं थीटा, जो भी आंसर आता है ऐसे, यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फोर पाई लैम्डा एल, ठीक है। अब यहां लिखेंगे कि यदि क्या होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा, इफ हम लिखेंगे इफ इफ थीटा टेंस टू क्या होगा जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा और कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होगा वन। तो यहां से लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन आई टू, है ना, अपॉन फोर पाई एल इंटू क्या लिखेंगे लैम्डा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फोर पाई क्या होगा एल लैम्डा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा सिचुएशन, जैसे क्वेश्चन में पूछा बताया गया है वैसे हम क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो ये जस्ट रहा, और भी टाइप्स हैं, आप कोई भी बुक देखोगे तो आपको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखो एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, है ना, कि ठीक है, तेरा कि जब भी क्या होगा इक्विलिब्रियम दिया होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लिख दो, उसके बाद सभी फोर्स को लिख करके, बेसिकली क्या हुआ ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने केवल एक एडिशनल क्या किया है, मैग्नेटिक फोर्स क्या किया है इंक्लूड कर दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया है, मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या किया है इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे, है ना, और भी तुम न्यूमेरिकल देख लेना, है ना, न्यूमेरिकल ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा जो टाइप है इसमें, अगला जो इसमें हम टाइप पढ़ेंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तक हमने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, नो मैटर व्हाट इज इट शेप एंड साइज, तो उस पे नेट फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स क्या था, जीरो था। लेकिन यहां हम देखेंगे कि व्हेन एवर एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, ये मुझे बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चन एडवांस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम नोट में बाद में लिखेंगे कि नहीं, यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम रख दें तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है, नेट मैग्नेटिक फोर्स और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने क्या देखा था कि व्हेन एवर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप विल बी ऑलवेज जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज।
उसका शेप एंड साइज क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जब भी किसी भी क्लोज करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ऑलवेज फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम देखेंगे, पहले दो एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि नहीं ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म क्लोज लूप होगा तो देखो हम क्या करेंगे, क्लोज लूप के लिए क्या करना है, ये सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि इंटीग्रेशन इज डन ओवर द क्या होगा, क्लोज लूप। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे, देखो यहां क्या लिखेंगे, एफ एम, पहले एफ एम लिख देता हूं, यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, एफ एम नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये सर्कल का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, आई डी एल क्रॉस क्या हो जाएगा बी। यहां यदि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद से लिखना पड़ेगा और फिर फोर्स लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है या नहीं है। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है, जैसे देखो कल मैंने बताया था एग्जाम्पल जो वन बाई वन हम सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको दिया था पहला एग्जाम्पल यही था, होमवर्क मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्या है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इससे नज़दीक इसके नज़दीक क्या है, एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप क्या है, ए बी, यही शायद मैंने ए बी सी डी, इसमें पहले करंट हमने ऐसे कंसीडर किया था, इसमें करंट क्या है, आई टू फ्लो है ना, ये फिगर ए था और दूसरा फिगर क्या था, ये था, ये क्या है प्लस और दिस इज माइनस, ए इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगेन ये भी क्या है, स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ क्या है, ए है यार, है ना, ए मान लेना साइड लेंथ ए। यहां जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे फ्लो, इसमें करंट क्या है, ये फिगर क्या है, अगेन दोनों फिगर में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हमको क्या करना है, देखो किस पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, लूप स्क्वायर लूप करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ए बी सी डी पे क्या है, कैलकुलेट करना है, समझ में आया ना, ठीक है। अब यहां कोई नॉन यूनिफॉर्म तो किस पे फोर्स निकालना है यार, स्क्वायर लूप ए बी सी डी पे, है ना, तो किसके द्वारा फील्ड लिखेंगे यार, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और लूप के हर पार्ट पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकाल करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दोनों में क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, आप देखो पहले हम लिखते हैं इस पे जो इसके द्वारा, देखो इस पे यहां मैग्नेटिक फोर्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहीं भी अंदर होगा, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्शन बता देता हूं, इधर इसके द्वारा क्या होगा, कहीं भी क्या होगा, अंदर लगेगा, किसके द्वारा, इसको मैं बी वन लिख देता हूं यार, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा, अंदर लगेगा, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट तो डीएल क्रॉस बी, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। ये कितना, इस पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ए बी, उसके बाद इस पे देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा यार, इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा, बीसी। सिमिलरली जब इस पे देखोगे, देखो ये ऐसे भी देखोगे क्या है, पैरेलल करंट है तो अट्रैक्ट करके एंटी पैरेलल क्या होता है, रिपेल करता है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ क्या होगा, सी डी। और इस पे जब मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो किधर लगेगा, डाउन लगेगा और किधर लगेगा, एफ, इसको क्या लिखे डी ए, ये फर्स्ट केस में। सेकंड में देखो क्या है, अब देखो ये अभी हमने देखा था, अभी शुरू में जब पहली बार बताया था कि जितना मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा उतना ही क्या होगा, इस पे लगेगा, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, एफ डी ए। यदि मैं लिख दूं इस यहां से कितने डिस्टेंस पे है, देखो क्या है, डी डिस्टेंस पे है, ऐसे लिख दिया है ना, ये भी क्या है, इसको हमने क्या लिखा, डी डिस्टेंस पे, ए ए बी है ना, सी और क्या है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, डी डिस्टेंस पे।
तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, एफ बी सी क्या हो जाएगा, एफ बी सी का मैग्नीट्यूड और एफ डी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इस पे और इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो ऑफ कोर्स जो एफ ए बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड एफ सी डी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी बताया था ना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सेपरेशन होता है। यदि लेंथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन कम होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल केस में देखो, यहाँ आप देखोगे तो अगेन यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इस पे किधर लाएगा, एफ बी सी किधर लाएगा, नीचे लाएगा, एफ ए बी पे किधर लाएगा, ए डी पे ऊपर लाएगा, एफ ए डी। इस पे अगेन फोर्स क्या लाएगा, रिपल्सिव लाएगा इधर, एफ क्या होगा, एफ ए बी, और इधर भी क्या होगा, एफ ए बी, क्योंकि यार ए और एक एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट क्या होता है, रिपेल करता है, ए और ए क्या होगा, पैरेलल करंट है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन फिगर ए एंड बी क्या होगा, इन फिगर क्या होगा, इन फिगर क्या होगा, ए पहले फिगर ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी ए is equal to क्या होगा, mu नॉट I1 I2 upon 2 pi, क्या हो जाएगा, 2 pi, कितना होगा, 2 pi ln, है ना, 1 plus क्या हो जाएगा, a upon क्या हो जाएगा, यही होगा ना यार, बताया था अभी, ये मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, f क्या होगा, f क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होगा, एफ सी डी, क्यों, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो क्या होगा, अभी हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, या पहले हम क्या कर ले, लिख देते हैं यहां मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, एफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I1, I2 अपॉन क्या होगा, 2 पाई, सेपरेशन कितना है यार, d इनटू क्या हो जाएगा, a, और a फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, उसी तरह क्या होगा, f cd, f cd जो होगा क्या होगा, म्यू नॉट I1, I2 अपॉन क्या होगा, 2 पाई क्या होगा, d प्लस क्या होगा, a इनटू क्या हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, f AB is greater than क्या होगा, magnitude of CD. Hence, इस पे जो क्या होगा, वायर क्या होगा, square loop, current carrying square loop ABCDA will क्या होगा, move toward the क्या होगा, current carrying wire. I mean, इस वायर के तरफ क्या होगा, कभी कभी ये पूछा होगा कि ये किधर मूव करेगा, तो हम लिख सकते हैं यहां नेट फोर्स लिख दें तो क्या लिख देंगे, hence हम बोल सकते हैं, hence net मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन क्या होगा, स्क्वायर लूप, अभी हम फिर स्क्वायर लूप विल बी क्या होगा, विल बी टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, आई मीन ये वायर किधर मूव कर जाएगा यार, I1 के तरफ क्या होगा, क्या होगा, आई वन की तरफ मूव कर जाए, तो दैट इज हम लिख सकते हैं, दैट इज टुवर्ड्स क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स आई वन, करंट कैरिंग वायर आई वन, ठीक है, और नेट फोर्स लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करेंगे, अब नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, कि एफ ऑन द क्या होगा, एफ ऑन द लूप इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए बी प्लस क्या होगा, एफ बी सी प्लस एफ सी डी प्लस क्या हो जाएगा, एफ डी ए, ठीक है, अब एफ बी सी और एफ क्या होगा, डी ए, देखो तो ए और ए क्या हो जाएंगे यार, ए और ए, ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यार, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, एफ ऑन द लूप क्या होगा, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो एफ ए बी किधर होगा यार, देखो इधर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इधर
इधर वाई एक्सिस और इधर क्या होगा एक्स एक्सिस, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा म्यू नट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, क्या होगा माइनस आई कैप प्लस म्यू नट आई वन आई टू, सॉरी यहाँ ए छूट गया, अपॉन टू पाई डी प्लस क्या होगा ए, ए क्या होगा आई कैप। अब कॉमन ले लो यार, म्यू नट आई वन आई टू ए अपॉन क्या होगा टू पाई डी इंटू क्या, सॉरी टू पाई माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन डी प्लस क्या होगा ए इंटू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा टुवर्ड्स क्या होगा लेफ्ट होगा। तो एफ फॉर लूप जो होगा वो क्या होगा म्यू नेट आई वन आई टू ए अपॉन क्या होगा टू पाई, है ना टू पाई, ए क्या हो जाएगा देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा डी इंटू क्या होगा डी प्लस, डी प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, कितना लगेगा इधर लगेगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, देखो अब मैं इसका इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप इन फिगर क्या होगा बी, हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली नेट मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर, स्क्वायर लूप इन फिगर बी इज क्या होगा गिवन एज F ऑन द लूप क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा यही आएगा आंसर म्यू नेट I1 I2 A स्क्वायर अपॉन टू पाई D इंटू क्या होगा D प्लस A, ठीक है इंटू क्या हो जाएगा प्लस I कैप। इसका मतलब क्या हुआ नेट फोर्स जो होगा क्या होगा टूवर्ड्स क्या होगा राइट होगा, क्या होगा हैंस नेट फोर्स विल बी क्या होगा विल बी अवे फ्रॉम क्या होगा आई वन दैट इज स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप विल, ये स्क्वायर लूप किधर मूव करेगा यार इधर मूव, स्क्वायर लूप विल मूव मूव राइट राइट वर्ड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ क्या है इस केस में क्लोज लूप क्या होगा पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है जीरो नहीं है, आई मीन यहाँ हम देख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्लोज लूप क्या है जीरो नहीं है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या है यहाँ क्लोज लूप पे क्या है जीरो नहीं है, हेंस क्या है हेंस इस केस में। अब एक दूसरा केस हम देखते हैं और इसी तरह आप सॉल्व कर लेना, है ना सेकेंड एग्जाम्पल इसको ए आई टी में आया होगा क्वेश्चन भी है लेकिन टॉर्क पढ़ने के बाद ही हम डिटेल में। ये क्या है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ हमने क्या किया आई वन रख दिया, ठीक है, और ऐसे देखो यहाँ कुछ थीटा पे, बाद में हम इसको इसमें कितना टॉर्क होता है इसको भी कैलकुलेट करेंगे, कुछ ऐसे रखा हुआ है देखो ध्यान से, ठीक है समझ में आया ना, देखो ध्यान से कुछ ऐसे, ये सही है क्या ये आर्क है ऐसे सोचो, देखो ये भी क्या है करंट कैरिंग, ये आई वन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाद में हम टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे, यही क्या होगा दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, बाद में यदि एंगल दिया हुआ है तो हम टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे, देख लो इसमें। अब इसमें क्या है ए बी सी और क्या है डी, इसमें करंट क्या है आई टू, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा करंट कैरिंग
क्या होगा? करंट कैरिंग क्लोज लूप ए बी सी डी ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है? क्या है, मैं लिख देता हूं यहां, फाइंड क्या होगा, बाद में हम टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे, अभी टॉर्क या टॉर्क खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं और खुद से ये, चलो एंगल ये मान लेता हूं कि एंगल कितना है, 2 थीटा है, ठीक है? क्या है, 2 थीटा है, ये आपको समझ में आया ना? तो फाइंड इन द शोन फिगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द शोन फिगर फाइंड, फाइंड ये में क्या है, मैग्नेटिक नेट, मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑन करंट कैरी, करंट कैरिंग क्लोज लूप, क्या है, क्लोज क्लोज लूप ए बी सी डी, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट। टॉर्क जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अब देखो इसका डिस्टेंस भी लिख दें यार, ए हमने मान लिया, ए वाला जो क्या है, ए चलो ये क्या है, ए है, ए डिस्टेंस, और ए डिस्टेंस क्या है, इसमें तुम फोर्स जानते हो कि कितना होगा, है ना? मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये तो यही हुआ कि यार इनफाइनाइटली लॉन्ग अवे से क्या है, एक डीसी वायर है, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। अब देखो यहां से, ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप ए बी सी डी, और बी में क्या है, मैं टॉर्क भी लिख देता हूं, नेट टॉर्क नेट टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कैरिंग क्लोज लूप ए बी सी डी, ठीक है? दोनों आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या है, किस पे फोर्स निकालना है, इस पे आप ध्यान से देखना, ये करंट क्या है, आउटवर्ड है, तो यहाँ हर जगह इस पे क्या होगा, यहाँ यदि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, यदि मैं यहाँ बी वन लिख दूं इस जगह, तो बी वन जो होगा वो क्या होगा, इस पे देखो ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, तो बी वन जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, करंट कैरिंग वायर ए बी सॉरी बी सी विल बी क्या होगा, अलोंग बी सी, देख रहे हो ना, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा यार, टेंजेंशियल होगा ना, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स और करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसलिए इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखोगे तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये क्या होगा, बी वन। तो समझ में आया ना, देखो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे तो क्या होगा यार, इस पे टेंजेंट होगा, इस पे भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो पहले तो क्या होगा कि इस वायर पे बी सी और डी ए पे क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, लिखेंगे कि सिंस क्या होगा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन ऑन वायर बी सी एंड डी ए, ऑन क्या होगा, बी सी एंड क्या होगा, डी ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन ऑन बी सी एंड एस, क्या होगा, ऑन बी सी नहीं एट एच एट क्या होगा, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्या होगा, एंड डी ए आर अलोंग
सिंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी आर अलोंग, क्या होगा अलोंग बी सी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, hence मैग्नेटिक फोर्स, hence क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा बी सी एंड डी ए मस्ट बी जीरो, hence मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी सी एंड क्या होगा डी ए मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी जीरो। दैट इज यदि मैं इस पे क्या लिखेंगे एफ बी सी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एफ डी ए इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, समझ में आया ना। अब हम आते हैं देखो यहाँ, यहाँ जब आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करोगे यहाँ, तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा यार, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इधर, इधर ही होगा ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा देखो इधर ही होगा ना इधर, आई मीन बी वन का डायरेक्शन किधर होगा इधर, इसके द्वारा कहीं भी एक पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अब देखो बी का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इनटू द बोर्ड, तो यहां यदि इसका डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे एफ वन, आई मीन एफ सी डी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इनटू द क्या होगा बोर्ड होगा, और एट द सेम टाइम इस पे देखोगे तो क्या हो जाएगा एफ, यहां देखोगे तो यहां एफ ऑन क्या होगा आई मीन बी ए, यहां क्या हो जाएगा एफ बी, एफ ए बी, एफ ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा अंदर लगेगा और इस वायर पे फोर्स क्या होगा बाहर लगेगा, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो होगा। चलो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस और ये क्या हुआ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस याद रखना कि आउटवर्ड को हम क्या मानते हैं आई मीन इस प्लेन इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या मानेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आया कि इस वायर पे और इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो होगा। और भी कई केसेस हैं जो ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है नाउ है ना, अब ये तो तुमको मालूम है, देखो ये हमने क्या लिखा है टू ए, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या होगा देखो एफ एफ सी डी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सी डी क्या होगा इनटू द बोर्ड हो रहा है आई मीन माइनस जेड एक्सिस के अलोंग और निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट अगेन आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल एन, क्या लिखेंगे वन प्लस ए अपॉन क्या होगा टू ए अपॉन क्या होगा ए होगा तो टू ए अपॉन ए। अब आप भी बोलोगे सर कैसे आपने लिख दिया, तो ये रट करके लिख दिया है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एफ सी डी क्या हो जाएगा एफ सी डी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई क्या हो जाएगा एल एन थ्री माइनस के कैप। उसी तरह सिमिलरली एफ ए बी, एफ ए बी जो होगा वो क्या होगा आउटवर्ड होगा यार है ना, तो एफ ए बी क्या हो जाएगा इतना ही वैल्यू होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई क्या होगा एल एन थ्री क्या होगा के कैप। तो दो फोर्स क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर का लग रहा है, तो अब इसमें नेट फोर्स क्या लिखेंगे यार देखो तो ध्यान से, हेंस क्या लिखेंगे हेंस यहां लिख सकते हैं हेंस एफ नेट फोर्स ऑन द क्या होगा लूप इज इक्वल टू क्या होगा एफ ए बी प्लस क्या होगा एफ बी सी प्लस क्या होगा एफ सी डी प्लस क्या होगा एफ डी ए, ठीक है। और एफ बी सी और डी ए क्या है ये तो जीरो ही है यार, डी ए भी जीरो है और ई भी क्या है जीरो है, तो एफ ऑन द लूप क्या हो जाएगा यार एफ ए बी प्लस क्या होगा एफ सी डी और ई भी क्या है देखो इनका मैग्नीट्यूड जो है क्या है एफ ए बी एंड सी डी, तो ई भी हम क्या बोल सकते हैं जीरो बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ नेट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं कॉपल बोलते हैं, ठीक है क्या होगा नेट फोर्स टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर क्या है कॉपल फॉर्म करता है, ठीक है वो वाला कॉपल नहीं जो तुम लोग जानते हो या समझते हो इसका, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा
ये मैंने कहा टॉर्क जो पढ़ा रहा था, आई मीन रोटेशनल मोशन, तो वहां बताया था। तो यहाँ आपको ये चीज जानना है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, तो यहाँ क्या हुआ, नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि व्हेन एवर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन या कंडीशन। ठीक है, समझ में आया ना क्या है, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो क्या होगा वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में, इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि क्या है, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्लोज लूप पे जीरो नहीं हो रहा है, कब, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख रहे हैं। तो यहां से ये नोट में हम पॉइंट लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ नोट में लिखेंगे कि इफ ए करंट कैरिंग क्लोज लूप अब देखो क्या होगा, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। समझ में आया ना, देखो इसके अबाउट फोर्स इधर लग रहा है तो टॉर्क ऐसे हो जाएगा, तो कैसे रोटेट कर जाएगा यार, ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये जेई का आरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो अब तुमसे टॉर्क भी पूछा जाएगा, टॉर्क आप कैलकुलेट करो तो आप बता सकते हो इस पे फोर्स कैसे लग रहा है इधर और इस पे किधर लग रहा है इधर। तो नेट टॉर्क जो होगा क्या होगा, यहां से यही डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, है ना, ए डिस्टेंस, यदि ये डिस्टेंस हम आर मान लें, तुम कैलकुलेट कर लेना ये आर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 2F, है ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा, F ए बी इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये आर तुम कैलकुलेट कर लेना, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इफ ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then net magnetic force on the loop may or may not be zero, then net magnetic force on the loop may or may the net magnetic force on the loop may or may not be क्या होगा zero depending on the situation के accordingly क्या होगा zero होगी, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो क्या होगा, तो जीरो होगा। बट ठीक है, तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म वाला तो मैंने बता दिया है। अब तुम यहाँ टॉर्क जो है ये होमवर्क रहेगा कि टॉर्क आप क्या करो, यदि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं तो ये थीटा है, तो यदि स्मॉल थीटा होगा तो ये रेडियस आपको मालूम चल जाएगा और कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप आसानी से यदि ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, ये टॉर्क आसानी से लिख सकते हो, यदि ये डिस्टेंस को आर मान लो और फिर टॉर्क मुझे लिख करके बताना कि कितना होगा। तो रोटेट कैसे करेगा यार, यदि लूप क्या होगा ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो यहाँ टॉर्क भी क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, या नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो क्या होगा, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। नेट टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो हो भी सकता है और नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे। लेकिन यदि किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये होमवर्क क्या है कि टॉर्क तुम खुद से क्या करना, कैलकुलेट कर लेना। क्या करना, टॉर्क जो है वो खुद से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम जो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ और टॉर्क जो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल
और क्या है टॉर्क से रिलेटेड कुछ सम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखेंगे। तो उसमें आई थिंक दो क्लास लगेगा, तो 3-4 क्लास में, 4 क्लास में आपका जो है मैग्नेटिक जो है फर्स्ट पार्ट क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।